हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपली किसी भी फ़ोटो को, उसके बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बार में सर्च करेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इरेजर सर्च करने के बाद आपको इस तरह का ऐप दिख जाएगा, और आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए ये मुझे ओपन दिखा रहा है। तो चलिए, आप इसे इंस्टॉल करने के बाद आप भी इसे ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोड अ फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ढेर सारे पिक दिखेंगे जो आपके फाइल में होगा। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके, पिक्चर्स पे क्लिक करके आप अपने फाइल से चूज़ कर सकते हैं जहां आपका फ़ोटो है। तो मेरा फ़ोटो स्क्रीन शॉट में है, तो स्क्रीन शॉट का मैं ओपन कर चुका हूं, और मैं फिर इसे सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। और उसके बाद आप किसी भी फ़ोटो को चूज़ करके आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो चलिए मैं इस पिक को इरेज करके बताऊंगा। सिंपली आप इसे पहले क्रॉप कर लेंगे, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर ले रहा हूँ ताकि इरेज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखें, आप जो पिक है उसके साइड में, साइड तक जगह लेकर ही क्रॉप करें। उसके बाद आप डन कर लें। डन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑटो मैजिक रिपेयर जूम। तो आपको पहले अपने कर्सर को अपने साइड पे लाकर और ऑटो पे क्लिक करना है। ऑटो पे क्लिक करने के बाद आप अपने कर्सर को जहाँ लाएंगे वहाँ का इरेज होता चला जाएगा। आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। ये कर्सर का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को जहाँ रखेंगे वहाँ का, उसके पीछे का जो भी होगा वो कलर इरेज हो जाएगा। आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद मैनुअल पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा अपने साइज़ को बढ़ा लेंगे और सिंपली इस सब को इरेज कर देंगे। आप देख सकते हो, मेरा पिक इरेज हो चुका हुआ है। और अपने कर्सर को थोड़ा सा छोटा करेंगे, इधर का है। अब सपोज करो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कट गया, तो क्या करेंगे? फिर इस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और बैक हो जाना है। एक बार और क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा कट गया है इसलिए, और बैक हो जाना है। और कर्सर को यहाँ ले आना है एक बार क्लिक करके, और फिर आप इस कर्सर को ड्रैग करते हुए आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को, जो भी आपका छूट गया है उसे आप इरेज कर पाएंगे। और मैं इसे छोटा कर लेता हूँ अपने कर्सर को, और आप देख पा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे, इस यहाँ पे आप देख सकते हो बीजी कलर, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि कहाँ आपका छूटा है। फिर आप यहाँ पे कर्सर को लाओगे, एक बार क्लिक करके
जहाँ पे उंगली ले जाओगे आप, और क्लिक करके इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा हर पॉइंट साफ़ हो चुका हुआ है, इरेज हो चुका हुआ है। उसके बाद आप अपने पिक को जूम आउट करके भी चेक कर सकते हो, सिंपली मेरा सही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसे स्मूथ करना चाहते हैं तो बहुत ही स्मूथ कर पाएंगे। अगर आपको मालूम है, इसे देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे उंगली मेरा जो है और थिन हो चुका हुआ है और ज़्यादा पतला हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्मूथ ज़ीरो पे ही रहने दूँगा। ज़ीरो रहेगा तो इससे मुझे ये मेरा जैसा है वैसा ही दिखाएगा, ठीक है। सिंपली आप इसे सेव कर लोगे, सेव करने के बाद आप इसे फिनिश कर दोगे। फिनिश करने के बाद आप इसे फाइल में जाकर एक बार चेक कर लो कि ये मेरा पिक कैसा बना है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा अभी का इरेज किया हुआ पिक है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आसानी से अपने पिक को इरेज कर सकते हो और इसे आप सिंपली कहीं भी बैठा सकते हो, ये PNG में है, ओके, किसी भी बैकग्राउंड पर बैठा सकते हो नॉर्मली, वेरी सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह मेरा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैं इसी तरह का टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा, और बेहतरीन YouTube से कैसे हम पैसा कमाते हैं, एक सिंगर्स के लिए कैसे क्या करना होगा, कैसे करें क्या करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करने वाला हूँ और आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।